परम श्रद्धेय रज्जू भैया जी, एक आदर्श जीवन जो 29 जनवरी 1922 को इस धरती पे प्रारंभ हुआ। आदरणीय रज्जू भैया 11 मार्च 1994 को राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रमुख सरसंचालक बने थे। सरसंचालक का उनका जीवन हम लोगों ने एक एक वाक्य के साथ आत्मसात किया। आज जिस केंद्र पे हम लोग कार्यक्रम कर रहे हैं, ये डिजिटल केंद्र भारतवर्ष में पहला है। रज्जू भैया भौतिक शास्त्र के प्रोफेसर थे, विज्ञान को उन्होंने अंतिम व्यक्ति तक ले जाने के बारे में अनेक बार संकल्प दोहराए। कोरोना काल में हम लोगों ने उनके इसी संकल्प को साकार करते हुए विद्या भारती के अपने पूर्वी उत्तर प्रदेश के समस्त 1100 विद्यालयों को इस डिजिटल संवाद केंद्र से कनेक्ट किया। मैं एक बार उनका जो है बेल्ट बांध रहा था, तो उन्होंने पूछा तुम्हारे बाबा जो है उनकी उम्र कितनी रही होगी। तो हमने कहा आप ही, आपसे थोड़े से बड़े होंगे। कहा ठीक, मुझे बाबा ही समझो। इतनी सहजता थी। जब भी मैं आता था और मैं गाड़ी का वो खोलता था कार का, तो उस समय एक चीज अक्सर पूछते थे, आज स्कोर मैच में स्कोर कितना है, कपिल की क्या स्थिति है। किसी न किसी वो प्लेयर के विषय पूछते रहते थे, क्या है और कितने चौके लगे। आपको आश्चर्य लगेगा कि इतना बड़ा व्यक्ति, लेकिन इतनी चीजें मुझे बार बार पूछा करते थे। एक बार एक परदेशी फिल्म आई थी, मुझे कहा आज चलना है, टाकी चलना है और परदेशी फिल्म देखना है। तो मैं परेशान थे, परदेशी फिल्म आपको लेकर के जाऊं टाकीज में। तो बड़ी मुश्किल से मैंने कहा कि आपको उन्होंने, मैं यहाँ जो है सीडी की व्यवस्था करता हूँ, यही देखूंगा। तो फिर मुझे सीडी की व्यवस्था करनी पड़ी उसको फिल्म। फिर मुझे इसमें तुमने क्या समझ में आया परदेशी फिल्म में। उनके साथ मैंने पूरी परदेशी 2-3 बार देखी। तो मेरा ये सौभाग्य तो नहीं रहा कि मैं उनको नज़दीक से देख पाऊँ या उनका अनुभव कर सकूँ, लेकिन यहाँ मैंने जो सुना कि, और थोड़ा बहुत जो पढ़ा है मैंने, मेरा जो बहुत ही अल्प ज्ञान है आप लोगों के समक्ष, लेकिन मैं जो भी समझा और आज भी जो सुना, जो बात बार बार आई है वो है कि इतना बड़े संगठन के कर्ता धर्ता होने के बावजूद इलाहाबाद प्रयाग विश्वविद्यालय जैसी एरिस्टोक्रेटिक यूनिवर्सिटी, उस समय की एरिस्टोक्रेटिक यूनिवर्सिटीज में थी, और उसके विभागाध्यक्ष के पद से छोड़कर पब्लिक लाइफ में जाने वाले व्यक्तित्व, और वो सरल हो, सहज हो, ये एक बहुत बड़ी बात है। मैं तो मानता हूँ कि उनकी सारी उपलब्धियों से भी बड़ी उपलब्धि उनकी सरलता और उनकी सहजता रही होगी। ये आसान नहीं है, आप सब जानते हैं, सरल और सहज बने रहना। ये बात भगवान राम के बारे में रामचरितमानस में कही गई है, सरल सहज साहब रघुराजू, और भगवान शिव के बारे में कही गई है, लगी समाधि अखंड अपारा, शंकर सहज स्वभाव संभारा। तो ऐसे लोग ही सरल और सहज रह पाते हैं। माननीय रज्जू भैया जी इलाहाबाद विश्वविद्यालय में प्राध्यापक थे, प्रोफेसर थे, लेकिन मैं नहीं समझता कितने लोगों को पता होगा,
तो स्पेस साइंस, स्पेस साइंस के अथॉरिटी थे, बहुत कम लोग उस पीरियड में थे, और अगर शायद वहीं बने रहे होते तो मुझे पूरा भरोसा है कि वो अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र के एक बहुत बड़े वैज्ञानिक होते। उनके पढ़ाए हुए न जाने कितने IAS अफसर निकले हैं, 10-12 तो मैंने लिस्ट बनाई थी, फिर बाकी का मैंने छोड़ दिया, कहाँ ढूंढते फिर हैं हम। एक और व्यक्ति का नाम जिसको आप जानते हैं बताता हूँ, उनके शिष्य डॉक्टर मुरली मनोहर जोशी भी उनके शिष्य थे। माननीय रज्जू भैया से जो कुछ भी सीखा कि अध्यापन करना है तो कैसे करना है, बाकी का ज़िंदगी जीनी है तो कैसे जीनी है। एक बार रज्जू भैया से शाखा पर किसी ने कहा कि आज रज्जू भैया का मार्गदर्शन होगा, तो कई बार 2 मिनट बचता है, अधिकारी उपस्थित है तो मार्गदर्शन भी लेना तो वो भी अमान्य हो जाएगी। तो रज्जू भैया ने कहा समय तो नहीं है, तुम्हारे प्रार्थना का समय हो गया, तो मैं क्या इतना देर में बताऊँ। तो कहें अच्छा छोटी सी बात बताता हूँ, मार्गदर्शन क्या होता है। तो कहें देखो 1925 में विजयादशमी के दिन परम पूजनीय डॉक्टर हेडगेवार जी ने संघ की स्थापना किया था। मार्गदर्शन इसे कहते हैं कि जीवन में जियो और शाखा पर जाओ, यही मार्गदर्शन है। उन्होंने मार्गदर्शन को बहुत अच्छा परिभाषित करते हुए कहा कि शाखा तक जाना ही मार्गदर्शक है। तो उस समय रज्जू भैया बोलते थे कि देखो कभी कभी सब्जी तेल का भी भाव पता कर लिया करो। तो मेरे जैसे व्यक्ति सब्जी तेल से प्रचारक से क्या मतलब है, तो उसको फिर व्याख्या करते थे। कहें देखो कई बार क्या होता है कि घर में गए, प्रचारक को भोजन करने घर में जाना होता है, तो घर में भोजन करने गए और 50 रुपये किलो भिंडी की सब्ज़ी मिलती है। तो जब 50 रुपये किलो भिंडी की सब्ज़ी मिलती है तो आदमी आधा किलो लाता है, 250 ग्राम लाता है, और तुम्हें सब्ज़ी अच्छी लगी तुमने 3 बार मांग लिया तो गृहस्थ की बेइज्जती हो जाती। कितनी छोटी बात उनकी होती थी, तो लगता था रज्जू भैया कितना दूर सोचते थे। एक दूसरी घटना आती है, पूजनीय रज्जू भैया उनके पास जब सत्संग चालक का दायित्व आया, उसके कुछ ही दिन पहले राम जन्मभूमि का ये जो ढांचा ध्वस्त का जो विषय था 92 में वो हुआ, 2 साल बाद में रज्जू भैया के पास सत्संग चालक का दायित्व आया। जब वो ढांचा ध्वस्त का हुआ तो उस समय BBC के जो वरिष्ठ संवाददाता थे मार्क तुली, उन्होंने हिंदू मिलिटेंट ऐसे शब्द का प्रयोग किया था, ऐसे लोगों ने इस ढांचे को ध्वस्त कर दिया, बाबरी मस्जिद, राम जन्मभूमि, ये जो विवादित ढांचा था आदि आदि, तो अपने संवाद में उस प्रकार के शब्दों का प्रयोग किया गया। नागपुर में उस समय प्रतिनिधि सभा की थी, हम सब लोग प्रतिनिधि सभा में गए हुए थे, पूज्य रज्जू भैया के पास सत्संग चालक का दायित्व आया, दुनिया भर के संवाददाता, दुनिया भर के लोग उस समय इंटरव्यू लेने के लिए, मार्क तुली ने भी प्रयास किया कि रज्जू भैया का इंटरव्यू लिया जाए, रज्जू भैया ने समय देने से मना कर दिया। रज्जू भैया ने कहा नहीं, जिनको संघ के बारे में कल्पना नहीं है, हिंदू के बारे में कल्पना नहीं है, भारतीय मानस के बारे में कल्पना नहीं है, उसको क्या इंटरव्यू देना। खैर उन्होंने बड़ा आग्रह किया, बाद में रज्जू भैया तैयार हुए। इंटरव्यू लेते रहते मार्क तुली ने पूछा कि रज्जू भैया आपने हमको इंटरव्यू देने के लिए इतना बार बार आग्रह, ये ऐसा क्यों हुआ। उन्होंने कहा कि आपको दृष्टि नहीं है भारत के बारे में, आप इतने वर्षों से BBC के संवाददाता के नाते से भारत में काम कर रहे हैं, आपको भारतीय मानस का भी अनुमान नहीं लग पाया। हिंदू कभी मिलिटेंट हो सकता है क्या, बाई नेचर हिंदू मिलिटेंट है, ऐसा लगता है आपको। मार्क तुली ने बिल्कुल स्वीकार किया कि नहीं नहीं वो मुझसे गलती होगी, वास्तव में मुझे उस समय कोई उपयुक्त शब्द समझ में नहीं आ रहा था।